हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हेम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम क्लास सिक्स की ज्योग्राफी कर रहे थे और हमने चार चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस देखें तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे एयर है। ये जो तीन बेसिक नीड्स हैं एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो हमारे प्लैनेट के ऊपर हैं। तो जो लैंड है, वाटर है और अर्थ है, सॉरी लैंड वाटर और एयर, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे सोलर हमारे अर्थ के अर्थ प्लैनेट के, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और ये जहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं वहाँ पे बायोस्फीयर क्रिएट होता है, और बायोस्फीयर के क्रिएट होने से इकोसिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, और जो उनका सराउंडिंग होता है उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? सिर्फ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि जो जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उसके ऊपर जो मेन थ्री कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर किस तरह से स्प्रेड हैं, और क्या क्या उनकी जो हम बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस है। तो हमारे पास जो तीन हमारे पास पोर्शंस आगे, हम अगर बोलेंगे कि तीन जो कंपोनेंट्स आगे वो है लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर और हाइड्रोस्फियर। अगर हम लिथोस्फियर की बात करें तो जो भी हमारा अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, क्योंकि हमने पता है कि जो अर्थ है वो हमारे पास जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रॉक से बनी हुई है। हमारे जो इनर प्लैनेट्स हमने पढ़ा था वो रॉक से बने हुए हैं, आउटर प्लैनेट जो है वो गैसेस से बने हुए हैं, पर जो इनर प्लैनेट्स में अर्थ है उसमें रॉक्स के साथ क्या है, वाटर भी है और एयर भी है। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड पोर्शन होता है या हम बोल सकते हैं कि जो रिजिड आउटर पार्ट है अर्थ का, उसको हम कहते हैं लिथोस्फियर। ठीक है, और जो हमारे पास गैसेस है, हमें पता है कि अर्थ के जो अराउंड है जो गैसेस हैं उनकी जो लेयर बनी हुई है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फियर। अलग अलग तरह की गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या और भी गैसेज हैं, हीलियम है, आर्गन है, ये सारी गैसेज जो हैं वो एटमॉस्फियर को बनाती हैं। और तीसरा आता है हाइड्रोस्फियर, कि हमारे अर्थ के ऊपर जो पानी है, पानी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मशीन्स हैं या फिर नदियां हैं, लेक्स हैं या वाटर वेपर्स हैं, आइस है, ग्लेशियर्स हैं, पानी किसी भी रूप में है तो वो हाइड्रोस्फीयर बनाता है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट अर्थ के, और ये तीनों कंपोनेंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ये बायोस्फीयर बनाते हैं। तीनों कंपोनेंट जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे बायोस्फीयर बनाएंगे, जो कि हमारे पास विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ विच सपोर्ट्स लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो हम बारी बारी से इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ये हमें पता है कि जो हमारा आउटर पार्ट है अर्थ का, रिजिड पार्ट जिसको हम बोलते हैं, टफ या बोलते हैं सख्त बोल सकते हैं, रिजिड पार्ट जिसमें क्रस्ट आ जाता है, अपर मेंटल या बिल्कुल ऊपर की जो लेयर है हमारे पास मिट्टी की, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो कुछ सेंटीमीटर लेयर होती है मिट्टी की, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्या इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के जो पूरा जो सरफेस एरिया है, हमें पता है कि उसमें 70% क्या है, वाटर है, 70% वाटर है, और जो 30% वो है लैंड है। तो जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम कहते हैं, जो हमारे पास अर्थ के ऊपर वाटर स्प्रेड है उसको हम कहते हैं ओशियन बेसिन्स, ओशियंस कहते हैं, और जो हमारे पास लैंड वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जो हमारे पास लैंड वाला पार्ट है और लैंड मासेस हैं उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम ओशियन बेसिन्स कहते हैं। तो जो हमारे पास सारे जो ओशियंस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एरिया जो है कवर करते हैं, वो एक दूसरे का कनेक्टेड हैं। पर अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो जो हमारे पास पानी है उसकी वजह से एक दूसरे से वो सेपरेटेड हैं। जो ऐसा नहीं कि जो लैंड मास है वो एक ही जगह पे है, तो हमारे पास वो अलग अलग जगह पे है, एक दूसरे से सेपरेट है बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो हमारा ओशन जो है, जो हम इनका जो वाटर लेवल होता है वो इक्वल है। आप वर्ल्ड में किसी भी जगह पे चले जाओ, जो हमारा इसका जो वाटर लेवल होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। इसीलिए जो हम इसको हम कहते हैं कि जो एलिवेशन हम लैंड की लेते हैं, कि अगर हमें किसी जगह की ऊंचाई मापनी है तो हम उसका जो जीरो लेके चलेंगे वो हम सी लेवल से लेके चलेंगे, क्योंकि सी लेवल जो है वो इक्वल है हर जगह, तो हम वहाँ से ज़ीरो लेके चलेंगे। और उसके वहाँ ज़ीरो से जो है वो किसी भी जो जगह की ऊंचाई है या एलिवेशन है उसको हम मेज़र करेंगे। तो अगर एलिवेशन की बात चल रही है तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है अर्थ के ऊपर।
ये हमारे पास मैप है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी, पर उससे पहले हम थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन कवर कर लें कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। हमें पता है हिमालयाज़ में है ये, इसकी टोटल जो हाइट है वो कितनी है, इट इज़ 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। और जो हमारे पास जिस तरह से हमारे पास हमने लैंड मासेस की बात की, हाईएस्ट पॉइंट है, उसी तरह से ओशियंस में हमारे पास डीपेस्ट पॉइंट है, और वो डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पे है, वो हमारे पास पैसिफिक ओशन में आता है, पैसिफिक ओशन में, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, और इसकी टोटल डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है माउंट एवरेस्ट, और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सबसे पहले कौन था जो हमारे पास जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। तो हमारे पास एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो इंडिया के रहने वाले थे, दीज वर दी फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। कब किया था इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब, 29 मई 1953, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पहली महिला कौन थी, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, तो वो थी जूनको तबेई, जापान की रहने वाली, जिन्होंने क्लाइंब किया था 16 मई 1975 को, 1975 को, ठीक है। पर हमारी अगर हम भारत की बात करें कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो शी वॉज बिछेंद्री पॉल। बिछेंद्री पॉल ने 23 मई 1984 को, 1984 को जो है क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पे डेट्स को अगर याद रखना है, तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है कि सारी जो डेट्स हैं वो मई की हैं, क्योंकि मई और जून जो ऐसा टाइम है, क्योंकि उस वक्त समर्स होती हैं जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसी वक्त पॉसिबल हो पाता है कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया जाए, विंटर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं और वे किस तरह से सेपरेट हैं वो एक दूसरे से। तो अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, हमारे पास मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, अगर हम इसको मैप से समझें तो हमारे पास ज़्यादा ईजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ठीक है, हमारे पास जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है, सबसे पहले आता है ये है एशिया, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आता है यूरोप, नंबर 2, उसके बाद आता है अफ्रीका, नंबर 3, उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4, नंबर 5 इज साउथ अमेरिका, ठीक है, नंबर 6 इज ऑस्ट्रेलिया, एंड द नंबर 7 इज एंटार्क्टिका। ओके, दिस इज नंबर 7, एंटार्क्टिका, ठीक है। तो हम बारी बारी से जो है यहीं से हम मैप से इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें जो है वो ज़्यादा इजीली जो हैं वो समझ आ जाएं। सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं। एशिया जो है, हम एशिया की बात करें, एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा, इसका जो एरिया है, हमारे जो टोटल अगर हम अर्थ की बात करें, जितना भी अर्थ का जो लैंड एरिया है, उसमें से 1/3 जो है वो एशिया कवर करता है। 1/3 मतलब 33% जो एरिया है वो एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट है वो कवर कर लेता है। अगर हम इस कॉन्टिनेंट की बात करें, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस कॉन्टिनेंट से बीच से होकर निकल, बीच तो नहीं बोल सकते हम, कि जो इसमें से होकर निकलती है, ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे पास है इक्वेटर, और ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे पास एशियन कॉन्टिनेंट्स में से होकर निकलती है, और ये हमारे पास एशिया है और ये हमारे पास यूरोप है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एशियन कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है, पर इनको सेपरेट कौन करता है, ये जो हमारे पास हम देखें इनको सेपरेट कौन करता है, तो ये है उरल माउंटेन्स। उरल माउंटेन्स जो है वो सेपरेट करते हैं एशिया को और यूरोप को। अब यूरोप कहाँ है, एशिया के वेस्ट में, ठीक है। हमारे पास पता है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट में। तो यूरोप कहाँ पे है, एशिया के वेस्ट में, और जो एशिया और यूरोप को जो हमारे पास अलग करता है, दैट इज कॉल्ड उरल माउंटेन्स। और जो एशिया और यूरोप का जो हमारे पास जो लैंड मास है, कॉमन लैंड मास, उसको हम कहते हैं यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है, EURASIA, यूरेशिया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एशिया के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं यूरोप की, बात करते हैं यूरोप की, अगर हम बात करें, हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो साइज़ में बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू एशिया, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, आर्कटिक सर्कल जो है, जो हम आर्कटिक सर्कल जो है वो यहाँ से पास होता है। आर्कटिक सर्कल हमें पता है, हम मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करूँ, हमें पता है कि यहाँ पे है नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल, तो आर्कटिक सर्कल बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास होता है, तो आर्कटिक सर्कल जो है वो यूरोप से होके निकलता है, ठीक है।
ये इसके अगर हम बात करें कि जो हमारे पास यूरोप है वो तीन साइड से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, ठीक है। ये हमारे पास जो यूरोप है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये तो हमने दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया। आगे हम बात करेंगे अफ्रीका की, ये है हमारे पास थर्ड कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका की अगर हम बात करें, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर अफ्रीका। हमने साइज़ की बात की थी, नंबर वन एशिया था, और साइज़ की बात करें तो अफ्रीका जो है वो नंबर टू पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो हमारे पास अफ्रीका है, अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी निकलती है, और इक्वेटर है वो भी, और जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो भी, तीनों जो लाइन्स हैं वो अफ्रीका से पास करती हैं, ठीक है। अफ्रीका जो अगर हम बात करें, इसका लार्जेस्ट एरिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर और ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम बात करें इक्वेटर से, तो ज्यादा पार्ट किस तरफ है इसका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, एज कंपेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अफ्रीका जो है उसका ज्यादा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट्स है जिसमें से ये तीनों लाइंस पास करती हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो वो है अफ्रीका। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो जो सहारा डेजर्ट है, ये हमारे पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा जो हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम अफ्रीका की बात करें, ये चारों तरफ से इसके पानी है। अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे साउदर्न ओशियन, यहाँ पे इंडियन ओशियन, तो चारों तरफ क्या है, ये पानी से घिरा हुआ है। और इसके अफ्रीका में कौन सी नदी पाई जाती है, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो ये है नील नदी, जिसको हम नाइल रिवर बोलते हैं। ये हमारे पास वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है। इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे जो लंबी रिवर कौन सी है, दैट इज नाइल रिवर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इट इज 6,650 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 6,650 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और हमारे पास, हमें पता है कि नाइल रिवर के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे इजिप्ट है जो नील नदी के किनारे जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया, जो भी हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट की नोट्स थे। आगे हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। हमने तीन कॉन्टिनेंट पढ़ लिए, एशिया पढ़ लिया, यूरोप पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी तक हमने पढ़ा एशिया नंबर वन था साइज के हिसाब से, नंबर टू अफ्रीका था, नंबर थ्री आता है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और ये है हमारे पास साउथ अमेरिका, ठीक है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें, ये आपस में जुड़े हुए हैं विद अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इसमस क्या होता है? इसमस होता है एक, हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जब चारों तरफ पानी हो और जो दो बड़े लैंड मासेस जो हैं वो आपस में जुड़े हों विद ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। एक पतली सी लैंड जो ज़मीन है उसकी सहायता से जब दो हमारे पास बिग लैंड मासेस आपस में जुड़े हों तो हम उसको इसमस कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी जो हमारे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ये आपस में, ये जो हमारे पास आ गया हमारे पास इसमस ऑफ पनामा यहाँ पे आया, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ, ओके, ये हमारे पास है, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इसकी एक तरफ हमारे पास आता है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक, और दूसरी तरफ आता है हमारे पास कैरेबियन सी, ठीक है। इसके यहाँ आता है कैरेबियन सी और यहाँ पे आता है पैसिफिक ओशन, और इन दो पानी जो है हमारे पास, जो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि दोनों वाटर बॉडीज़ के बीच में जो है वो इसमें सब पनामा है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जो नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ साउथ अमेरिका उसमें आपस में जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका इसमें सब पनामा। तो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, ये कम्प्लीटली जो है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका जो है कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, क्योंकि ये इक्वेटर है, तो ये कम्प्लीटली किस में आता है? नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमें पता है कि जो 0 डिग्री है, कहाँ है 0 डिग्री? ये रहा 0 डिग्री, आप देख सकते हैं, ये 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनलैंड से पास होता है, तो इसके जो इस साइड है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया जो है वो कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्थ अमेरिका जो है वो कम्प्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और साथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेटर है, इसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, आगे हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका की बात करें, ये कम्प्लीटली किस में आता है?
साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसके जो अगर हम बात करें कौन कौन से ओशन जो हैं इसके आसपास होते हैं, जो ओशन सराउंड एट ईस्ट और वेस्ट में अगर हम बात करें कौन कौन से, ये हमारे पास ईस्ट आ गया और ये हमारे पास वेस्ट आ गया, ठीक है। तो वेस्ट में कौन सा हमारे पास ओशन है, दैट इज पैसिफिक ओशन, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो कौन सा ओशन है, ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो इसके जो साउथ अमेरिका के ईस्ट में आता है अटलांटिक ओशन, थोड़ा ईस्ट भी बोल सकते हैं और नॉर्थ भी बोल सकते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ आता है अटलांटिक ओशन, और हमारे पास जो वेस्ट है वहां पे आता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो साउथ अमेरिका के बारे में है वो है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन जो है बहुत लंबी माउंटेन रेंज है, हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ये साउथ अमेरिका में है। ये सीधे जो है वो साउथ अमेरिका के नॉर्थ टू साउथ जो है वो जाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है हमारे पास एंडीज माउंटेन है, ये सीधा नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है वो इतनी लंबी माउंटेन रेंज है जो पूरे साउथ अमेरिका को नॉर्थ टू साउथ क्या करती है, कवर करती है। और सबसे बड़ी रिवर अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है अमेजोन, वो भी साउथ अमेरिका में पाई जाती है। जो कुछ ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे हम बात करेंगे तो हमने कौन कौन से कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पढ़ लिया, यूरोप पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। फिफ्थ कॉन्टिनेंट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है साइज वाइज अगर हम देखें, ये कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है क्योंकि ये हमारे पास इक्वेटर है, ये कंप्लीटली किस में आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और ये अकेली कंट्री ही एक कॉन्टिनेंट है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें एक तरफ इसका पैसिफिक ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका। अब हम एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एंटार्क्टिका। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे वाइट में क्यों है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, बहुत ह्यूज कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल जो है कम्प्लीटली जो है वो एंटार्क्टिका में लाई करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं साउथ पोलर रीजन, हम इसको कहते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, ठीक है। ये परमानेंटली क्या है, जो है बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होती क्योंकि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सारी बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। अगर हम एंटार्क्टिका की बात करें, बहुत सारे जो है कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है, उनका नाम क्या है, दैट इज मैत्री, ठीक है। एंड द नंबर टू इज दक्षिण गंगोत्री, नंबर टू इज दक्षिण गंगोत्री। इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें कौन कौन से जो स्टेशन है रिसर्च स्टेशन इंडिया के एंटार्क्टिका में, दैट इज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो ये हमने पढ़ा जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम देखें तो थ्योरी थोड़ी सी देख सकते हैं यहाँ से कि एशिया है, नंबर टू यूरोप है, नंबर थ्री अफ्रीका, नंबर टू फोर नॉर्थ अमेरिका, नंबर फाइव हम बात करते हैं साउथ अमेरिका, नंबर सिक्स ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर सेवन एंटार्क्टिका, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया की, यहाँ पे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट होता है एक, हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास दो लार्ज एरिया, क्योंकि हमारे पास ठीक है दो ओशंस हैं या बड़े बड़े दो सागर हैं या पानी की बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, वो आपस में मिलती हैं एक छोटे से पानी के पैसेज के थ्रू, ठीक है। एक पानी के पैसेज के थ्रू जब आपस में मिलते हैं तो हम उसको स्ट्रेट कहते हैं। इसके उल्टा था इसमस, वहाँ पे दो लैंड मासेज आपस में मिल रहे थे पानी के लैंड के थ्रू। यहाँ पे स्ट्रेट मतलब दो पानी की बड़ी जो बॉडीज हैं वो आपस में मिल रही हैं थ्रू ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। तो अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका की, यहाँ पे आप देख सकते इंडिया और श्रीलंका की, तो इसको स्ट्रेट कहेंगे क्योंकि आपस में एक नैरो पैसेज जो पानी का है उसके द्वारा ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो इसको जो हम क्या कहेंगे, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो इसका जो आंसर है वो है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हमें पता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 71% इसमें पानी है, 29% जो लैंड है। अब जो 71% पानी है उसमें से भी जो 70% है वो हमारे पास ओशन पानी है, क्योंकि वो बिल्कुल सॉल्टी है, हमें पता है वो किसी ह्यूमन यूज़ का नहीं है। और बाकी जो पानी बचा जो फ्रेश वाटर, वो भी या तो ग्लेशियर की फॉर्म्स में है, तो फिर इस तरह से हम बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर जो है बहुत कम अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 97.2% जो है वो ओशन में है, 0.03% जो है वो फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर हम जिसको हम बोल सकते हैं लेक्स होगी या रिवर्स होगी या फिर ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, और 2.8% जो कि हमारे पास एज ए जो है वो आइस शीट्स या ग्लेशियर्स प्लस ग्राउंड वाटर। और फ्रेश वाटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिवर्स और लेक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलने के बावजूद जो हमारे पास हम यहाँ पे पानी की जो है कमी रहती है, ठीक है। ओके, तो आगे अगर हम बात करेंगे, हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। एक तो अगर हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कौन सा है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, दैट इज एशिया, ठीक है, और यूरोप और एशिया ऑस्ट्रेलिया में से बड़ा कौन सा है, दैट इज़ यूरोप, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। आगे हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में, तो ओशियंस की अगर हम बात करें, दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, कौन कौन से जो हमारे पास मेजर ओशियंस हैं, तो पाँच हैं अगर हम साइज़ वाइज उनको हम बोलें तो। सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन, दूसरा आता है अटलांटिक ओशन, तीसरा आता है इंडियन ओशन, एंड द फोर्थ वन इज साउदर्न ओशन, और द लास्ट है आर्कटिक ओशन। तो पांच जो है वो मेजर ओशंस हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटर कनेक्टेड हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, पैसिफिक ओशन, हम इसको लाइन से याद करेंगे साइज वाइज। तो इसको अगर याद करना है तो एक छोटा सा ट्रिक है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं पैसा, जिसको हम बोल सकते हैं कि पी से पैसिफिक ओशन, और ए से हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पी से हमारे पास आता है पैसिफिक ओशन, दूसरा ए से अटलांटिक ओशन। हम साइज़ वाइज इनको याद कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, तीसरा आ जाता है इंडियन ओशन, और उसके बाद आता है साउदर्न ओशन, और लास्ट वन इज़ द आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो हमारे पास पांच जो हैं वो ओशंस हैं। जो पैसिफिक ओशन है वो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। अगर हम इसको भी थोड़ा सा मैप से देखें तो जो है वो हम ईजी उसको समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास है पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली जो है वो स्प्रेड हुआ है। अब यही ये जो हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हम अर्थ, हमें पता है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है और यहाँ पे बीच में से थोड़े से बल्जस निकले हुए हैं, तो ये हमारे पास जो पैसिफिक ओशन है वो ऐसे कवर हो रहा है, ठीक है, इधर से इधर हम जिसको बोल सकते हैं। तो पैसिफिक ओशन है जो है कम्प्लीटली हम जिसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सर्कुलर है शेप में, ठीक है। और जो मरियाना ट्रेंच हमने पढ़ा था कि जो डीपेस्ट पॉइंट है वो भी हमारे पास किस में है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। पैसिफिक ओशन जो है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। तो हमारे पास कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट्स है जो हमारे पास पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग में आते हैं, एशिया हो गया, ये हमारे पास ये भी पैसिफिक ओशन है, ऑस्ट्रेलिया हो गया तो ये भी पैसिफिक ओशन है, और अगर हम बात करें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका तो ये भी हमारे पास, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये भी हमारे पास क्या है, पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है ये। अगर हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन की, ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसकी अगर हम बात करें ये थोड़ा सा एस शेप में है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है अटलांटिक ओशन, ये थोड़ा सा एस शेप जो है वो बनाता है। इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ये हमारे पास वेस्टर्न साइड आ गई, तो इसकी वेस्टर्न साइड में क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ईस्ट साइड की, तो इसमें आता है यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। अटलांटिक ओशन की वेस्ट साइड में आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसकी जो ईस्ट साइड है वहाँ पे आता है यूरोप और अफ्रीका। अब इसकी जो कॉस्ट लाइन है, जो इसके जो हम बोल सकते हैं कॉस्ट लाइन, वो थोड़ी सी क्या है, इंडेंटेंट है, मतलब थोड़े से जिगजैग बने हुए हैं, इररेगुलर हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये नेचुरल हार्बर्स बनाती है, जो हमारे पास जो भी शिप होते हैं उनके लिए नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स का काम करती है। उसकी वजह से बहुत ही बिजिएस्ट हम इसको ओशन बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे किसकी वजह से, कॉमर्स की हम बोल सकते हैं, बिजनेस के पर्पज़ से ये बहुत ही बिजिएस्ट ओशन है। आगे हम बात करेंगे इंडियन ओशन की, ये हमारे पास इंडियन ओशन है, ठीक है। ये अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है, ठीक है। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, इसकी शेप जो है वो ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी शेप जो है वो ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है। नॉर्थ में क्या आता है इसके, नॉर्थ में है एशिया, हमें पता है ये इंडियन ओशन है, इसके नॉर्थ में क्या आता है, एशिया आता है, ठीक है। इसके वेस्ट में क्या आता है, वेस्ट में आता है अफ्रीका, और इसके ईस्ट में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया इंडियन ओशन। उसके बाद हम बात करेंगे साउदर्न ओशन की। अगर हम साउदर्न ओशन की बात करें, साउदर्न ओशन एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास साउदर्न ओशन,
ठीक है, साउदर्न ओशन किसको कवर करता है, एंटार्क्टिका को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन इज़ द आर्कटिक ओशन, ये हमारे पास आर्कटिक ओशन, अगर हम आर्कटिक ओशन की बात करें तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल को कवर करता है। हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, तो ये जो नॉर्थ आर्कटिक ओशन है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, और यहाँ पर एक नैरो स्ट्रेच है जो पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। कहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, हमने पढ़ा था कि जो पैसिफिक ओशन है वो ऐसे है बिल्कुल सराउंड करके जो है वो घूम के इधर आता है, तो ये हमारे पास है रशिया और ये हमारे पास है अलास्का, ठीक है। तो ये रशिया, अगर हम मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ, यहाँ पे मैं हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास रशिया का पार्ट है और ये हमारे पास अलास्का का, ये आपस में जो इसको जोड़ रहा है रशिया और अलास्का को, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन और ये हमारे पास आर्कटिक ओशन, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। हमें पता है स्ट्रेट क्या होता है, पानी की एक नैरो, हम जिसको बोल सकते हैं पानी, हमने पढ़ा था अभी उसके बारे में कि नैरो पैसेज होता है, एक छोटा पतला पैसेज पानी का जो आपस में दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है, तो ये हमारे पास होगी दो वाटर बॉडीज, एक हमारे पास ये होगा पैसिफिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट, और इसका नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि रशिया और अलास्का को जोड़ने वाला, या पैसिफिक ओशन और हमारे पास आर्कटिक ओशन को आपस में जोड़ने वाला जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो हमने ओशियंस के बारे में पढ़ लिया, हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आई होप ये अभी तक जो है वो समझ आ रहा होगा, आगे हम पढ़ेंगे। ओके, हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ओके, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर जो है, हमें पता है कि अर्थ के अराउंड जो भी गैसेस की लेयर है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें अलग अलग लेयर्स में ये डिवाइड है, तो अगर हम टोटल लेंथ की बात करें जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की है वो है, हमारे पास जो टोटल हाइट है वो है 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को अगर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो हम इसको जो है वो पाँच लेयर्स में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो हमारे पास जो पांच लेयर्स हैं वो है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस से हम बात करें, सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फीयर, नेक्स्ट वन इज़ मीजोस्फीयर, फोर्थ वन इज़ थर्मोस्फीयर एंड द लास्ट वन इज़ एक्सोस्फीयर। तो अगर हम शुरू से बात करें, अगर हम ट्रोपोस्फीयर की बात करें, ये सबसे नीचे है जो ट्रोपोस्फीयर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो हम जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है वो इसी लेयर में होती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रेनफॉल होगा या जो भी चेंजेस होंगे, हम जिसको बोल सकते हैं वेदर चेंजेस, हेयर स्ट्रॉम, वो सारे इसी लेयर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें ये ट्रोपोस्फीयर से ऊपर है, अबाउट 50 किलोमीटर्स तक की है जो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ये क्लाउड फ्री है, जो हमारे पास ये जो लेयर है ये क्लाउड फ्री है, तो हमारे पास एरोप्लेन्स को उड़ने के लिए जो है वो आइडियल है ये वाली लेयर, और जो ओजोन गैस है वो भी यहीं पे है, जो हमारे पास जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे हमें बचाती है जो ओजोन लेयर, वो भी हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में आती है। उसके बाद आती है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर की अगर हम बात करें, यह है मेसोस्फीयर, तो हमें पढ़ा था कि जो सन के अराउंड मेटीरियल्स घूमते हैं कभी कभी वो अर्थ पे गिरते हैं, और अर्थ में एयर फ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेयर में जो एयर फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो बर्न हो जाते हैं, तो वो इस लेयर में होता है, वो मेसोस्फीयर में होता है। उसके बाद आती है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर की बात करें तो जो भी रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन होती हैं वो थर्मोस्फीयर, और जो लास्ट जो हमारे पास लेयर है वो है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर की अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा लाइट गैसेस जो होती हैं हीलियम और हाइड्रोजन, वो इस जगह से स्पेस में जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने थोड़ा सा पांच लेयर के बारे में पढ़ा, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से जो है लाइफ पॉसिबल है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि जो भी सन से हीट आ रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जो है वो एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए हमारा जो अर्थ है वो हीटअप होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है।
तो हम अगर बात करें अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी की, जो गैसेस की डेंसिटी की अगर हम बात करें, वो जो सी लेवल है वहाँ पे हाईएस्ट होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाएंगे, जो एलिवेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो गैसेस की या एटमॉस्फेयर की वो क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसीलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जब हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं वहाँ पर उनको सांस लेने की दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी कम है, वहाँ पर गैसेस की डेंसिटी कम है, गैसेस कम है, इसीलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अपने साथ लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ओनली बिकॉज जो डेंसिटी है एयर की वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें एयर की बात करें, हमें पता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास, हमें पता है कि जो गर्म रीजन्स होते हैं, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ क्या होगा कि जो एयर है वो गर्म होकर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगी, तो वहाँ जो खाली जगह होगी वो ठंडी एयर जो है दूसरी तरफ से वो आके फटाफट उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एयर जब ऊपर उठती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर जब ऊपर उठती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। और जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, एयर ठंडी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। तो जब ये हवा गर्म होती है ऊपर उठती है तो ठंडी हवा एकदम से इसकी जगह ले लेती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। तो हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फियर। ये तीनों चीज़ें जहाँ पर आके मिलती हैं वहाँ पर क्या बनाती हैं, ये बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर इसको हम बोल सकते हैं, इट इज़ द डोमेन ऑफ लाइफ। इसी की वजह से क्या है, लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो इन तीनों की वजह से ही क्या हो रहा है, लाइफ पॉसिबल हो रही है। क्योंकि बायोस्फीयर होगा तभी तो इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा तो क्या होगा, लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है कि कुछ नेचुरल रीजंस ऐसे होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मैन मेड रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो नेचुरल बायोस्फीयर हमारा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब हम मैन मेड रीजंस की बात करें, हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो है वो इरोड होती है, या हम लैंड स्लाइड्स ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से हम जिसको बोल सकते हैं कि जो साइकिल बना हुआ है हम उसको डिस्टर्ब करते हैं। पर अगर कुछ ऐसे नेचुरल रीजंस भी होते हैं जैसे अर्थक्वेक आती हैं उसकी वजह से, जैसे हमारे पास सुनामी जो है उसकी वजह से जो अंडेमान और निकोबार आइलैंड है उसका एक पार्ट जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज हो गया था पानी के अंदर, जो सुनामी की वजह से। हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडेमान और निकोबार का एक पार्ट जो है वो कंप्लीटली जो है सुनामी की वजह से पानी के नीचे चला गया था। उसका वो कौन सा पार्ट था, वो था इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान और निकोबार, इट गॉट सबमर्ज इनटू सी बिकॉज ऑफ सुनामी। तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो साइकिल है वो ख़राब होता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो कोयले से चलते हैं, या व्हीकल्स हैं वो एयर को पॉल्यूट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सन से हीट आती है वो जब अर्थ से रेडिएट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेती है एटमोसफियर में, जिससे टेम्परेचर थोड़ा अप होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा जो है वो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हम बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं हम उनको लिमिट कर लें, ठीक है। तो आगे हम थोड़े से जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ? तो हमने पढ़ लिया कौन कौन से, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट इज मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? तो हमने सात कॉन्टिनेंट पढ़े, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नेक्स्ट वन इज नेम द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कौन कौन से ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं? तो इसका आंसर आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर। कौन कौन सी डिफरेंट लेयर है? पाँच लेयर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है ट्रोपोस्फियर, हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास 70% जो है वो वाटर है इस अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट इज हमारे पास व्हाई इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर?
क्यों कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है, जो लैंड है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नेक्स्ट इज़ वाई इज़ द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे पास जो तीन कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स अर्थ के, वो हमारे पास जहाँ पर इंटरेक्ट होते हैं वहाँ पर बायोस्फीयर क्रिएट होता है। आगे है टेक द करेक्ट आंसर, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, यूरोप को एशिया से जो माउंटेन रेंज अलग करती है उसको क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड उरल माउंटेन्स। नेक्स्ट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ, अब यहाँ पे एंडीज, एंडीज माउंटेन्स हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका, जो हमारे पास सबसे लंबी जो है माउंटेन रेंज है, नॉर्थ टू साउथ जाती है साउथ अमेरिका में, दैट इज एंडीज, और हिमालय सो हमें पता है एशिया में है। नेक्स्ट इज द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय एंड इसमस, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन हमें पता है 78%। नेक्स्ट इज द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, अगर हम बात करें तीन कॉन्टिनेंट्स, हमें ऐसे पता है कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स देख सकते हैं, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज, कौन सा है पैसिफिक ओशन में, मरियाना ट्रेंच, जिसकी कितनी डीप, कितनी हमारे पास हम बोल सकते हैं कि डेप्थ कितनी है, 11,022 meters। नेक्स्ट इज द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, कौन सा जो है वो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, दैट इज इंडियन ओशन। नेक्स्ट इज द डैश इज ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नॉन एज, जो हमारे पास यूरोप और एशिया का जो पार्ट जो आपस में जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड यूरेशिया, ठीक है। उसके बाद आता है द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ इज, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास चैप्टर था द मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो आई होप जो है वो आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी स्टे सेफ।